शहर में रुका मच रहा कि फ्लाई फास्ट ओवरसीज विदेश कई कंट्रियों में भेजने लग रहा है, कई यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं होएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा सर। बच्चे के साथ कबूतरबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा सर। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे सारा काम प्रोजेक्टर्स पे करवाया जाता है एंड रीडिंग के रूल्स सारे डीपली करवाए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई जॉइनिंग दिस सेंटर। यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं बच्चों को स्टडी के लिए, बहुत बड़ी बात है। कैथल का एकमात्र ऐसा सेंटर अभी लग रहा है कि 36 यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है जो स्टडी वीजा के लिए बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पे, मेरे किसी भाईचारे ने बताया था यहाँ पे आने के बाद, लिए उन्होंने इसे की थी पीटी है, तो इसलिए मैं यहीं पे आया। हमने स्कोर कार्ड की बात करी थी, हमने स्कोर बच्चों ने अचीव किया, तो ये स्कोर आपने नोटिस बोर्ड पे लगा रखा है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी है। काफी लोग परेशान हो गए, थक गए, हार गए, बस इस समय नो सोच रहे भी हम कैसे जाएं, जो रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई समाधान है? बेस्ट है यहाँ के टीचर्स, हाई लेवल एक्सपीरियंस के सभी बच्चे अच्छे पढ़ाते हैं, कंप्यूटर्स पे और प्रोजेक्टर्स पे क्लासेस होती हैं, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। पास अप्लाई करो आप, यही हमारा गोल है और आपका भी सपना है, जो आपका सपना है वो हम साकार करते हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं फ्लाई फास्ट ओवरसीज के इंस्टीट्यूट पर, जहां तमाम जानकारियां देंगे, क्योंकि बड़ा हुआ मच रहा है कि फ्लाई फास्ट ओवरसीज द्वारा विदेश जो है वो सस्ते दामों पर भेजा जा रहा है। आईलेट्स पीटीई में विशेष ऑफर दिया गया है, आज उसी की पड़ताल के लिए पहुंचा हूं फ्लाई फास्ट ओवरसीज में, जहां आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखाएंगे और दिखाएंगे क्लासरूम, किस तरह की फैसिलिटी फ्लाई फास्ट ओवरसीज की है। फिलहाल रिसेप्शन की ये तस्वीरें हैं, मैम भी है हमारे साथ और बच्चों को फिलहाल समझाते हुए नजर आ रहे हैं, ये रिसेप्शन एरिया है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या नाम है मैम? मेरा नाम निधि है जी। निधि मैम 2 मिनट आपके चाहिएंगे, प्लीज हॉट सीट पे आ जाइए। शहर में रुका मच रहा कि फ्लाई फास्ट ओवरसीज विदेश कई कंट्रियों में भेजने लग रहा है, कई यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है और आईलेट्स और पीटीई की कोचिंग बड़ी ही बढ़िया और अच्छे तरीके से देने लग रहा है, पहले तो बताएं। हाँ जी सर, आपने सही सुना, फ्लाई फास्ट ओवरसीज इसी के लिए बेस्ट है। आईएलटीएस से लेकर आईएलटीएस पीटी इंटरनेशनल एग्जाम से लेकर हम वीज़ा प्रोसेस तक करते हैं बच्चे को, आईएलटीएस पीटी भी करवाते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्पोकन क्लासेस और वीज़ा टाइप में देकर स्टडी वीज़ा पर फोकस करते हैं हम। तो मैम पीटी और आईएलटीएस की बात करें, बच्चे विदेश के सपने को साकार करने के लिए आते हैं, कोचिंग लेते हैं और उसके बाद हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, आपने नाम भी ऐसे ही लिखा है, फ्लाई फास्ट यानी तोड़ी उड़ो। हाँ जी, हाँ जी, फास्ट फ्लाई करो आप, यही हमारा गोल है और आपका भी सपना है, जो आपका सपना है वो हम साकार करते हैं। तो किस तरह की फैसिलिटी है अगर फ्लाई फास्ट ओवरसीज की बात करें? देखो फैसिलिटीज़ देखा जाए, जब बच्चा आता है फ्रेशर हमारे पास, बच्चा जैसे प्लस टू अभी जस्ट अभी डन हुई है, फ्रेशर बच्चा आते हैं तो सबसे पहला स्टेप है आईएलटीएस पीटी करना स्टडी वीज़ा के लिए। तो स्टडी वीज़ा के लिए मेन मेन कंट्रीज जो है, जो बच्चा जाना चाहता है, जिसका सपना ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड, जो जो बच्चा जाना चाहता है उसके लिए आईएलटीएस पीटी कोचिंग होती है। तो फैसिलिटीज़ क्लासेस से लेकर हम बच्चे की वन ऑन वन इंट्रैक्शन गाइडेंस देते हैं, डेली क्लासेस लगती है, फुल डे क्लासेस लगती हैं और मतलब 3-4 क्लासेस है, बेसिक एडवांस प्रोजेक्टेड क्लासेस जिसमें बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। मैम अब सबसे बड़ी बात आती है ट्रेनर की, ट्रेनर कैसा है, ट्रेनर का एक्सपीरियंस कैसा है? आप ट्रेनर हैं? यस, आई एम पीटी ट्रेनर। सही है, सही है, ट्रेनर है। मैडम कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? मेरे को मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, मेरे को एक्सपीरियंस है पीटी ट्रेनर का। ओके, हाँ जी। तो वही बात करें तो फैसिलिटी की बात करें, किस तरह की लैब रहती है? देखो लैब फैकल्टीज़ में प्रॉपर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है पीटी और आईएलटीएस, तो क्या आपको प्रॉपर लैब मटेरियल मिलेगा, क्या नाम है क्लीन मतलब क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होएगी और क्या नाम है प्रॉपर। मैडम बोलने में तो बहुत कुछ आवे, मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, रोज शहर में जाऊँ मोबाइल मेरे हाथ में रहे और मोबाइल में जो भी खोलूँ। हमारे सेंटर पर बहुत सुविधाएँ हैं, बहुत कुछ है,
लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी है कुछ, वो बोलन का सौदा है सारा। हाँ जी, हाँ जी सर, फुल ट्रांसपेरेंसी है। जैसे बच्चा आता है फ्रेशर, हमारा गोल रहता है डिजायर्ड स्कोर जो उसका है वही अचीव करवा के हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे। ट्रांसपेरेंसी कैसे करो, मैंने बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे समझे, कैसे लोग विश्वास करें ट्रांसपेरेंसी है। मैम ट्रांसपेरेंसी की ही बात करने लग रहे हैं हम, है कुछ आपके पास ट्रांसपेरेंसी को दिखाने या बोलने के लिए है? सर बिल्कुल है सर, हम आपको दिखाते हैं, हम अपने क्लासेस दिखाते हैं आपको। सर हमारे देखो, सबसे पहली बात हमारे डिजायर्ड स्कोर देखो, हमारी ट्रांसपेरेंसी तो अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी है आपकी? बिल्कुल सर बिल्कुल, हमारे डिजायर्ड स्कोर देखिए, अगर हमारे डिजायर्ड स्कोर पूरे हो रहे हैं तो ही हमारी ट्रांसपेरेंसी दिखती है। सबसे पहले बेसिक क्लास, जब भी बच्चा आता है तो उसे हम बेसिक क्लास में डालते हैं, फिर उसके बाद एडवांस क्लास में आता है, उसके सेक्शनल टेस्ट लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, फिर जाके उसका एग्जाम फिर करवाया जाता है, तो ही ट्रांसपेरेंसी देखती है। मैंने इसलिए पूछ रहा ना, आप गर्म ना हो, ठंडा गर्म ना हो, मैंने तो इसलिए पूछ लिया क्योंकि बोलने में सब आते हैं कि हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, हमारे पास ये है, वो है, फलाना है, टिमकाना है, तो आप गर्म ना हो, पहले तो सब कुछ दिखाओ भाई, क्या क्या फैसिलिटी। आपने स्कोर कार्ड की बात करी थी, हमने स्कोर बच्चों ने अचीव किया, तो ये स्कोर आपने नोटिस बोर्ड पे लगा रखा है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल पहली ट्रांसपेरेंसी पे मोर लगी कि हम जो स्कोर है बच्चों को, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो कोचिंग दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जिसकी ट्रांसपेरेंसी आपको स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रही है। मैडम बाबा आपने कहा कि हमारे पास एडवांस लैब है, सब कुछ है, वो भी दिखाओ। चलो जी एडवांस लैब भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एडवांस लैब में, जहां बच्चे कोचिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैडम, तो किस तरह की फैसिलिटी है एडवांस लैब में? सर यहाँ पर बिल्कुल हेडफोन प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे को अच्छे से गाइड किया जाता है। यहाँ पर वो बच्चा आता है जिसका बेसिक क्लियर हो चुका है, अब वो मॉक टेस्ट देगा और उसका एग्जाम फिल करवाना है हमें। ये एडवांस लैब है। हाँ जी, चलो जो उससे पहले की लैब या तो एडवांस होगी, इससे पहले की जी। हाँ जी, चलिए आपको दिखाते हैं सारी चीजें, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि फ्लाई फास्ट ओवरसीज के ने कुछ भी नहीं छिपाया, सारा ट्रांसपेरेंसी है और उस ट्रांसपेरेंसी के तहत आपको तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं। ये बेसिक क्लास है, चलिए बेसिक क्लास में भी आपको बच्चे पढ़ते नजर आ रहे हैं और बेसिक क्लास में किस तरह से मैडम जो है वो समझाती है। तो बेसिक क्लासरूम में क्या रहता है? सर बेसिक क्लास में जो बच्चा होता है बिल्कुल फ्रेशर होता है, फ्रेशर बच्चे को बिल्कुल एक से एक वन टू वन गाइडेंस दी जाती है, एक एक बच्चे को आराम से अच्छे से समझाया जाता है। फुल डे क्लास रहती है सर, इसके अंदर अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स को बच्चे को बताया जाता है, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल बताया जाता है और अच्छे से गाइड किया जाता है। सर मैम मैं जब दूसरों की वीडियो देखता हूँ ना, वो कहते हैं हमारे पास प्रोजेक्टर रूम भी है, अपने पास भी है? चलो जी प्रोजेक्टर रूम भी है यहाँ पे, जहाँ बच्चों को प्रोजेक्टर रूम भी है बिल्कुल, जो बच्चा डेमो पे आता है उसको प्रोजेक्टर रूम पे भी समझाया जाता है, तो उसको भी दिखा दो मैडम जी। चलिए प्रोजेक्टर रूम में भी आपको लेकर चल सकते हैं, जहां बच्चे आपको प्रोजेक्टर पर सीखते और मैडम सिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए ये हम पहुंच चुके हैं फ्लाई फास्ट ओवरसीज के प्रोजेक्टर रूम में, जहां पे आपको बड़ा सा टीवी यानी कि प्रोजेक्ट लगा मिलेगा और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से फिलहाल बच्चे आपको सीखते नजर आ रहे होंगे। और ये तमाम फैसिलिटी हमने इसलिए आपको दिखाई क्योंकि अक्सर हमें लोग बोलते हुए दिखते हैं कि हमारे पास तमाम फैसिलिटी है, लेकिन आज पड़ताल की है कि क्या वाकई में ही फ्लाई फास्ट ओवरसीज के पास ये तमाम सुविधाएं हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी वाकई में ही है, क्या एडवांस लैब इनके पास वाकई में है या प्रोजेक्टर रूम इनके पास वाकई में। तो मैम यहाँ क्या करवाया जाता है? सर यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चे को स्पीकिंग और लिसनिंग ये सब करवाया जाता है। स्पीकिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, जो रीड अलाउड होता है वो बच्चे को अच्छे से, जो डेमो पे आता है बच्चा उसको अच्छे से पहले इसके ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर समझाया जाता है, फिर जो भी लिसनिंग की क्लास होती है वो भी यहाँ पर ली जाती है, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही। हाँ जी सर। चलिए मतलब पड़ताल पूर्णतः से चली हुई है और आगे भी आपको इस पड़ताल का जो आगे का पड़ाव है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फ्लाई फास्ट ओवरसीज में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे को कोचिंग दिलवा सकते हैं। अगर आपके आपका सपना है आपके बच्चे को बाहर भेजना तो आप फ्लाई फास्ट ओवरसीज से संपर्क कर सकते हैं। लगातार हम इनका नंबर फ्लैश कर रहे हैं और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ के जो ऑनर हैं प्रदीप ढोल जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर जी आ जाओ अंदर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फ्लाई फास्ट ओवरसीज की। थैंक यू भाई साहब। यार हरियाणवी में बात कर रहे हैं तो तोड़ी उड़ो जल्दी जल्दी जाओ चलो सर मेरा सवाल सीधा सा है आपसे कि किस तरह की फैसिलिटी आपका फ्लाई फास्ट ओवरसीज प्रोवाइड करवा रहा है? सबसे पहले तो हमारे कैथल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा 30+ अब्रॉड यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है सर,
जिसमें से हम अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो उसके लिए हम स्कोर और वीजा श्योर करके देंगे 100% रेस्ट। चलिए राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्लाई फास्ट ओवरसीज की। तो किस तरह की फैसिलिटी है, कितने क्राइटेरिया में आप वीजा के तहत काम करते हैं? एक तो सर जैसे हमारी फैसिलिटीज मेन ये है, जैसे बच्चा हमारे पास पीटी करने के लिए आता है तो पीटी से लेकर वीजा तक की हम बच्चे को गारंटी देते हैं, वीजा लगवाने तक की जी। अगर जैसे बच्चा कोई 2022-2023 पास आउट है और या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड है तो हम उसको न्यूजीलैंड इजिली मूव कर देंगे। न्यूजीलैंड का बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं, जैसे उसमें 6 मंथ ओल्ड फंड्स जाते हैं सर, तो फंड्स FTS जाता है सर उसमें। और सबसे मेन बात जो है न्यूजीलैंड की, उसकी जो यूनिवर्सिटी फीस है वो आफ्टर वीजा जाती है सर, उसमें बच्चे का 1% भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाकी जो खर्चा है वो हम लगाते हैं सर, फंडिंग वगैरह सारी चीजें हम ही करते हैं। दूसरा हमारे पास बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं होएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा सर, बच्चे के साथ कबूतरबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा सारा। दूसरा सर जैसे बच्चे को अगर कनाडा जाना है, आईएलटीएस पीटी नहीं कर पा रहा है बच्चा, कनाडा जाना है तो कनाडा में भी करवा देंगे सर हम। जैसे विजिटर वीजा चला हुआ है कनाडा का, बच्चे को अकेला जाना है अकेला भेज देंगे, विद मदर जाना है विद मदर करवा देंगे सर, विद फादर जाना है या स्पाउस में जाना है, हर तरह की फैसिलिटीज हैं सर हमारे पास। काफी लोग परेशान हो गए, थक गए, हार गए, बस इस समय नो सोच रहे भी हम कैसे जाएं, जो रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई समाधान है? हाँ जी सर, उसके लिए मेन न्यूजीलैंड है सर, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम में स्ट्रिक्ट है, बच्चा नहीं ले रहा है, करंट का बच्चा ही ले रहा है, वो भी जो जेन्युइन फाइल है उसको ले रहा है सर। अगर किसी बच्चे का रिफ्यूजल है ऑस्ट्रेलिया से तो हमारे पास आए, अपना न्यूजीलैंड का वीजा लगवाए विद सियोरिटी, उसमें फंडिंग वगैरह करेंगे सारी चीजें हम ही करेंगे सर, और 100% वीजा रेशो रहेगा सर न्यूजीलैंड का। चलिए अगर आप जी एक और सर, जैसे कोई बच्चा सर यूके जाना चाहता है स्टडी वीजा पे और आईएलटीएस पीटी नहीं कर पा रहा है तो उसका सर हम यूके का स्टडी वीजा लगवा के देंगे, या तो वो यूजी के लिए जा रहा है यूजी के लिए लगवाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वीजा लगवाएंगे उसका। और सबसे अच्छी बात जो है सर, फुल पैकेज देंगे सर बच्चे को। और ये तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई कि फ्लाई फास्ट ओवरसीज किस तरह से ट्रांसपेरेंसी के तहत काम कर रहा है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और लोगों को तमाम जानकारियां दी। चलिए इस वीडियो में अगर फिर भी आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर तमाम जानकारी के तहत आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो जी मोहन भाई। हाँ जी मोहन भाई, कुछ रह गया भी? रह गया भाई। क्या रह गया साहब? अगर कोई आपका नाम लेगा आपका चैनल सब्सक्राइब करका होगा तो हम उसको 10% का डिस्काउंट। चलो जी, और एक बड़ा ऑफर दे दिया गया है कि अगर कैथल टीवी को अगर आप लाइक फॉलो और इस वीडियो को शेयर करते हैं तो जो फीस यहां की निर्धारित की गई है उसमें अब आपको 10% का मार्जिन यानी 10% का और ऑफर मिलने जा रहा है। तो आप चाहते हैं आईलेट्स पीटी या विदेश जाना तो कैथल के अंबाला रोड एक्सिस बैंक के ऊपर पहुंच सकते हैं फ्लाई फास्ट ओवरसीज में, और तमाम जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।